सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आरुण, मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए लकी ब्लॉक रेस का मॉड एकदम प्रीमियम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को चले जाना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मैंने अपने यहाँ पे एक फोन के नोट्स में कॉपी कर रखा है। तो ये जो टेक्स्ट आप लोग सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा हेयर्स योर लिंक, ये देखिए मैं अभी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये देखिए हेयर्स योर लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे जो लिंक होगा इसके ऊपर आपको सिंपली चले जाना, या तो क्लिक करके या फिर आप सिलेक्ट टेक्स्ट करके कॉपी करके जा सकते हैं। तो मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ इसको और अपने क्रोम में ओपन करूँगा, नहीं तो ये दूसरे ब्राउजर से ओपन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देना इस लिंक को और आप पहुँच जाएंगे mediafire.com की एक वेबसाइट के ऊपर, ये देखिए। और यहाँ पे आपको ये जो फाइल देखने को मिलेगी लकी ब्लॉक रेस बाय आरएनस माइनक्राफ्ट, ये ब्लू बॉक्स में, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपका डाउनलोड जो है सिंपली स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी आपको। और ये देखिए एक छोटी सी फाइल है 5 MB की, जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने लकी ब्लॉक रेस बाय आरएनस माइनक्राफ्ट और एक zip फाइल है। और वैसे जब आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तब भी इसके फाइल का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये लीजिए हमारी फाइल जो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जिप फाइल। सो गाइस, इसके बाद आप लोगों को सिंपली चले जाना अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर के अंदर, जहाँ पे आपको ये फाइल देखने को मिलेगी। और यूजुअली ये आपके डाउनलोड पाथ अगर आपने चेंज कर रखा तो आपको किसी और फोल्डर में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको देखने को मिलेगी इंटरनल स्टोरेज डाउनलोड्स के फोल्डर में। तो डाउनलोड्स के फोल्डर में आपको फाइल का नाम देखने को मिलेगा लकी ब्लॉक रेस बाय आरएनस माइनक्राफ्ट .zip। ये देखिए मैं अभी टिक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और इसके उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर देना है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो आपको जेड आर्चीवर नाम की एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड मैं अभी आपको शो नहीं कर रहा हूँ, आपको वीडियो के बीच में कहीं भी रैंडमली वॉप अप हो जाएगा। उसके बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद लकी ब्लॉक रेस बाय आरएनस माइनक्राफ्ट। इसको जब आप खोलेंगे तो अंदर एक फाइल होगी जिसका नाम होगा लकी ब्लॉक रेस बाय आरएनस माइनक्राफ्ट .mcworld। तो इसको आपने क्लिक करना है और सिलेक्ट टाइप डॉक्यूमेंट्स कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन विद पूछेगा, तो मोर पर क्लिक करके ओपन विद माइनक्राफ्ट कर देना है। उसके बाद गाइस आपका जो माइनक्राफ्ट ऐप है, गेम है, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपका माइनक्राफ्ट गेम ओपन होने के बाद आपके पास दो नोटिफिकेशन आएंगे, लेवल इंपोर्ट स्टार्टेड और लेवल इंपोर्ट फिनिश सक्सेसफुली का। अगर सक्सेसफुली लिखा नहीं आता तो आपको ये प्रोसेस फिर से दोहराना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके पास एक ऐसा वर्ल्ड आ जाएगा लकी ब्लॉक रेस नाम से, और उसके ऊपर रिसोर्स और बिहेवियर पैक्स आप देख सकते हैं लगे हुए पहले से। तो बिना किसी देरी के हम इस वर्ल्ड को प्ले कर लेते हैं। तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए अभी मैंने स्पीड जो है वो 2x कर रखी है वीडियो की। तो आप देख ही सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, बट ये जल्दी लोड हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में लोड होता रहेगा जल्दी जल्दी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अभी हमारा वर्ल्ड जो है वो लोड हो चुका है। उसके बाद ये लॉबी आ चुकी है यहाँ पर, बट ये जो लॉबी है ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगी लोड होने में। तो ये देखिए लोड होने के बाद ऐसी दिखेगी आपकी लॉबी। तो उसके बाद मैं इसकी स्पीड एक बार कंट्रोल बताने के लिए स्लो कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को चार टाइप के बटन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बटन है वॉल्स, और वैसे दो लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है पर इंग्लिश के अलावा पता नहीं कौन सी है। तो वॉल्स से की होता ये है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं चारों, इनके बीच में इनविजिबल वॉल्स आ जाती है ताकि लोग पीवीपी ना कर सके। तो इसको अभी मैं ऑफ रहने देता हूँ। उसके बाद सेकेंड बटन देखने को मिलता है हम लोगों को डे और नाइट का। तो डे नाइट पता ही है, दिन और रात। तो क्लाउड्स का टेक्सचर बाय द वे देखिए कितना बढ़िया, और ये देखिए नाइट में स्टार्स वगैरह सब कुछ बढ़िया देखने को मिलता है आप लोगों को। तो इसको अभी हम नाइट ही रहने देते हैं। उसके बाद तीसरा बटन आता है कीप इन्वेंट्री का। तो कीप इन्वेंट्री का वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा ऑन ऑफ क्या होता है, बट अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कीप इन्वेंट्री से अगर आप ऑन रखते हैं तो अगर आप मर जाएंगे तो उसके बाद आपके आइटम्स जो है वो फिर से आपके पास आ जाएंगे। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आपको बटन देखने को मिलता है रीसेट मैप का। अगर आपका मैप बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, लकी ब्लॉक्स टूट नहीं रहे हैं, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा पाँचवा बटन स्टार्ट का, तो इसको मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ से स्टार्ट के बटन को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाती है 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। और जब तक ये गो नहीं होता तब तक आपके फ्रेंड्स और आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और जब अगर आप वन प्लेयर खेल रहे होंगे तो आप सबसे पहले येलो वाले प्लेटफॉर्म पे ही स्पॉन होंगे, और आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं मतलब जिस ऑर्डर में वो क्लिक करते जाएंगे वो वैसे येलो रेड ब्लू ग्रीन प्लेटफॉर्म्स पे जाते रहेंगे। तो अभी मैं थोड़े बहुत लकी ब्लॉक्स को तोड़ के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये प्रूफ के लिए कि ये बिल्कुल वर्किंग लकी ब्लॉक्स, और ये कभी कभी लकी होते हैं कभी कभी अनलकी होते हैं।
बट मेरे लिए तो अभी तक लकी है, सो फार सो गुड। और गाइस ये बिल्कुल ही बढ़िया मैप है। इसकी एक और खासियत है कि इसके एंड में जो है आपको एक पीवीपी अरीना देखने को मिलेगा, और एक छोटा सा जो इसका गेम प्ले, ये देखिए आप लोग अपने सामने देख ही सकते हैं, क्रीपर्स वगैरह आ जाते हैं, ये कर्स भी हो जाते हैं, कभी कभी लकी होते हैं, कभी कभी अनलकी होते हैं। और गाइस मैंने पीवीपी अरीना आप लोगों को शो करने के लिए वहाँ पर जाने की कोशिश की, बट एंड में जो बटन होता है एग्जिट का, उससे अगर आप दो प्लेयर से कम खेल रहे हो, मतलब मिनिमम टू प्लेयर चाहिए होते हैं, तभी आप पीवीपी अरीना एंटर कर सकते हैं। अगर दो प्लेयर नहीं है तो फिर आप सिंपली जो स्पॉन पॉइंट जहाँ पे हमारा मैप शुरू हुआ तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको वो शो नहीं कर सकता, बट आप लोग उसको चेकआउट कीजिएगा। वो बहुत ही बढ़िया पीवीपी अरीना का जो भी अरीना है वो बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। और बाकी गाइस जो पासवर्ड था जिप फाइल का, वो आपको अभी अपने स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होता हुआ और हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो उसको आप सिंपली फाइल में एंटर करेंगे पासवर्ड को, तभी आपकी जिप फाइल जो एक्सट्रैक्ट होने वाली है। एंड बाय द वे गाइस हमारे इस वाले चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स का गोल अभी बस पूरा होने वाला है, और मैंने इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ क्रिएट कर लिए हैं। जैसे ही 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे मैं बहुत सारे चेंजेस करने वाला हूँ इस चैनल के साथ, आपको स्क्रीन से बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है शॉर्ट्स वाले को, तो इस चैनल का नाम और लोगो, थंबनेल, चैनल आर्ट सब कुछ चेंज होने वाला है, और मैंने क्रिएट कर भी लिया, बस अभी वेट है 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होने का। तो गाइस अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।